रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और आज का जो ओपन मार्केट में ठगों का, मैं पाकिस्तान में जो ओपन मार्केट में एजेंट बैठे उनको ठग बोलता हूँ अभी, यकीन माने। अच्छा, ठगों का रेट भी आपको बता दूंगा। वैसे बाल शाल बना ली है मैंने तो भाई, रेडी हूँ ईद के लिए। आपकी क्या कंडीशन है? व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, आज चांद रात की वीडियो, कल ईद वाले दिन की वीडियो, ईदगाह की वीडियो, अपनी खुद की वीडियो, अपनी खुद की भाई, अपना नाम पता वगैरह, आप किस शहर में हैं, मेरे साथ इस व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला ईद मनाएंगे इकट्ठे तमाम भाई, मैं सबकी इकट्ठी वीडियो लगाऊंगा एक साथ, और इंजॉय करेंगे कौन से शहर में कौन सा भाई बैठा हुआ है और वहाँ पर क्या मनाजर है। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान में भी शायद हो सकता है भाई, हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान में भी चांद आज नज़र आ जाएगा और कल सऊदी एंड पाकिस्तान इकट्ठी ईद मनाएंगे। वैसे कैसा कैसे वैसे सीन होंगे पाकिस्तान में, अगर आपकी बेगम है वो भी रेडी है, तैयार श्यार होकर ईद के सूट वूट डाल के बैठी हुई है, और हम भी, और वीडियो कॉल पर बात हो रही है, वैसे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा यार, माँ से बात करें, बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, माशाल्लाह। वरना तो आपको पता हमारी ईद होती है और हम रेडी शेडी होकर, हाँ जी क्या हाल है, वहाँ पर गारमेंट्स सफाई चल रही होती हैं। परदेसी हो सोना मत यार, कल इंजॉय कीजिएगा ईद को, फैमिली के साथ गप्पे लगाइएगा, यारों के साथ बाहर निकलिएगा, घूमिएगा। बहरहाल जी, रेट के मुतालिक आ जाते हैं, गपशप तो बहुत होगी, ईद ईद की खुशी होती है वैसे, ये तो कन्फर्म है, बच्चा चाहे इंसान बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई 73 रुपये के अराउंड में रेट दे रहे हैं इस वक्त, एजेंट लूट रहे हैं, ठग हैं, सिंपल सीधी बात है। बहरहाल ईद के बाद देखिएगा। और एक खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में आपको पता कुछ दिन पहले तकरीबन 9 रुपये 66 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा था, और आज की मैं खबर फिर पढ़ रहा था, तकरीबन 8 रुपये मज़ीद बढ़ने के चांस हैं। आप अंदाज़ा कर लें 15-20 दिन के अंदर 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, और उस टाइम पेट्रोल डीजल महंगा होता था जब डॉलर बढ़ता था, और डॉलर और बढ़ नहीं रहा है, पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, मुल्क की 50 साल तारीख पर पहुंच चुकी है, और रियाल भी आपको पता है वहीं का वहीं रुका हुआ, बल्कि बाकायदा इसमें 20-30 पैसे का गिरावट देखने को मिली है रियाल में। तो ये इसका कुछ तो असर है, कुछ ना कुछ तो मामला हैं, सामने आएंगे ईद के बाद, देखते हैं फिर छलांगे लगेंगी। बहरहाल जी, रेट के मतलब बात करें तो टैली मनी यानी कि ANB बैंक भाई, इनका आज का रेट 73 रुपये 24 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है इनकी। मनीग्राम की भाई बात करें तो मनीग्राम वाले आज का 73 रुपये 30 पैसे रेट दे रखे हैं, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर भाई आप वेस्टर्न यूनियन से भेजना चाहते हैं तो वेस्टर्न यूनियन वाले आज का जो है 73 रुपये 36 पैसे रेट दे रखे हैं, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर हम बात कर लेंगे तहवीर राजी राजी बैंक की, तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपये 22 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है जी। अगर आप भाई STCPA से भेजना चाहते हैं तो STCPA आज का 73 रुपये 29 पैसे दे रहा है, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। फौरी बैंक, बैंक जजीरा की अगर बात करें तो इनका भाई आज का 73 रुपये 42 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी फीस है। रेट अच्छा है बैंक जजीरा फौरी बैंक का। अगर इंजाज बैंक की तरफ जाएँ तो इंजाज बैंक आज का 73 रुपये 27 पैसे है। क्विक पे से अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो क्विक पे 73 रुपये 37 पैसे फीस, वही 10, 17 और 23। अगर फ्रेंडी के थ्रू भाई आप भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी का आज का रेट 73 रुपये 22 पैसे, और आप मोबाइल ऐप से अपनी पैसे भेज सकते हैं। इस वक्त आपको पता है बैंक क्लोज हैं यहाँ भी, और पाकिस्तान में भी क्लोज हो चुके हैं। पाकिस्तान में जिन भाई के पास ATM है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ATM के बाहर भी रश लगे होते हैं वैसे ईद के दिनों में, और सऊदीया में जिन भाइयों के पास भाई मोबाइल ऐप्स हैं या ATM में, ATM से भी आप सेंड कर सकते हैं, तो वो भेज सकते हैं, बैंक तो क्लोज है अभी।